आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, होता क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है समूचे देश में। लोग बेटियों के लिए काम करने का नारा खूब देते हैं, लेकिन स्थिति क्या है, दहेज उन्मूलन भी हो रहा है बहुत जगह, बहुत सारे स्टेट में, सब जगह एक नियम बन गया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन दहेज के कारण लोग जब बेटियां घर में जन्म लेती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और भ्रूण हत्या का केस भी हो रहा है। आप देखेंगे कि हर हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि यहाँ गर्भ की जांच नहीं होती है, होती सब जगह है, होता सब कुछ है। तो ये सारे कथनी और करनी में इतने ज़्यादा अंतर है कि बड़ा मुश्किल है। उसी परिप्रेक्ष्य की यह कहानी है, पराया धन, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटी पराया धन होती है। मलखा सिंह पांच बेटियों से परेशान, हर साल इस आश्रय में कि एक बेटा हो जाए फिर ऑपरेशन करवा लेगा, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वह हमेशा झल्लाया हुआ रहता था। एक दिन उसने पत्नी से यहां तक कह दिया कि इस बार बेटी हुई तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इधर मलखा सिंह की आवाज से सुरजीत सिंह भयभीत रहा करती थी। इस 17 साल में क्या क्या सितम नहीं झेल रही थी वह, सास ननद के ताने प्रताड़ना, ऊपर से पति की दुत्कार, बेटी का क्या वह गढ़कर रख लेती है पेट में। एक बेटे की चाहत में एक एक कर पांच बेटियां ले आई घर में, सब उसी का दोष देते हैं। इसी उधेर बुन में सुरजीत की पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। वह रात भर भाभी आशंका से पीड़ित रहा करती थी, अंतिम महीना है, कभी भी कुछ हो सकता है। आज प्रसव वेदना का अनुभव कर रही है सुरजीत। सास ननद भी अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए वाहेगुरु से प्रार्थना कर रही है। मलखा सिंह भी कोई जानबूझकर थोड़े ही बोलता है। जिंदगी की राह में कठिन मेहनत के बाद भी 2 जून रोटी का जुगाड़ करना कठिन हो रहा है। फिर लड़कियों की शादी के झंझट से लोग परेशान रहा करते हैं। माँ कहती है कि लड़की का क्या हुआ, जो पराया धन होती है, काम के लायक होते ही पराए घर चली जाएगी। प्रसव वेदना तीव्र होती है, गांव की दाई बुलाई जाती है। मलखा सिंह दरवाजे पर इस प्रसव के बाद के भावी जीवन का ताना बाना बोल रहा है। बच्चे की रोने की आवाज आती है। मलखा सिंह एक बार फिर अपने इष्ट का स्मरण कर पुत्र होने की कामना करता है। बहन बाहर निकलकर पुत्री होने की मायूस सूचना देती है। मलखा मानो एक बार फिर आसमान से गिर जाता है। दाई प्रसव उपरांत औपचारिकता पूरी कर चल देती है। घर में खुशुर खुशुर शुरू हो रही है। सुरजीत अभी तक बेहोश पड़ी। सुबह सुबह बच्ची के रोने की आवाज सुनकर चौकीदार विक्रमा सिंह जग जाता है। सड़क के किनारे खूबसूरत सी बच्ची को देखकर उसके दिल का पिघलना स्वाभाविक है। आज के दिन का सुबह सुबह का विचार न कर वो अंदर जाकर कॉल बेल पर हाथ डाल देता है। लाला दीनदयाल आंखें मलते बाहर निकलते हैं। विक्रमा बाहर पड़े शिशु के बारे में सूचना देता है। दीनदयाल फाटक पर पहुंचकर एक शिशु को देखकर प्रसन्न होते हैं। 45 वर्ष का लाला दीनदयाल विवाह के 20 वर्षों के बाद भी निसंतान। एक बच्चे को गोद लेने की बात चल रही थी, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर वे उसे अपने घर ले आते। उसके आहार व्यवहार की उचित व्यवस्था और एडेप्टेशन की सरकारी औपचारिकता पूरी कर लेने के बाद उसकी देख रेख के लिए एक अलग से आया रख दी जाती है। सुरजीत को होश आते ही बताया जाता है कि उसे मृत बची हुई थी, ना चाहते हुए भी उसे विश्वास करना पड़ता है। वो सोचती है चलो अच्छा ही हुआ, अन्यथा शारीरिक रूप से न जाने क्या क्या कहर गिराया जाता। धीरे धीरे वह स्वस्थ होती है, अपने 5 पुत्रियों के बीच इस दर्द को भूलने का प्रयास करती है। पति मलखा सिंह पूर्व की भांति अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। परिवार की गाड़ी किसी तरह घिसट रही है। बड़े ही हवेली में यानी दीनदयाल के घर अब बच्चे की किलकारी से गुंजायमान हो रहा है। इस बच्ची को देखकर खेल कूद के सभी सामानों की व्यवस्था में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव में ठाकुरों का ही रौबदाव रहता है। मलखा सिंह एक उच्च कोटि के ठाकुरों खानदान से आते हैं। समय का फेर है, अब उनकी कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है। वह खुशहाल हो रहा है,
उनकी माँ गुजर जाती है, बहन का ब्याह धूमधाम से करता है। अब घर की रानी स्वयं सुरजीत होती है, कोई ताना मारने वाली अब घर में नहीं है, सभी बेटियां भी स्कूल जाने लगी। एक दिन उसकी छोटी बेटी मुन्नी अपनी माँ सुरजीत से कहती है, मम्मी मम्मी मेरे स्कूल में टीचर जी पूछ रही थी कि तुम लाला दीनदयाल की बेटी हो, ऐसा क्यों पूछती है? सुरजीत का कलेजा धक से रह जाता, उसके दिमाग में कई बातें कौने लगती। मुन्नी कहती है, मम्मी मम्मी लाला जी की बेटी सुषमा देखने में मेरी जैसी है, हम दोनों में खूब दोस्ती है, कहकर ही कर हंसने लगती। कई आशंकाओं के बीच सुरजीत के अंदर उसे देखने की इच्छा बलवती होने लगती। वह मुन्नी के लिए टिफिन लेकर एक दिन खुद स्कूल चली जाती है और दो चेहरे एक साथ दिख जाते हैं जिसे देखकर वह भौचक रह जाती है। माँ की ममता उमड़ पड़ती, वह दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। आज उसे अजीब आनंद की अनुभूति हो रही है। आज बूढ़ी दाई को बुलाकर अपने छठे प्रसव के बारे में पूछती है। दाई को याद है कि बच्ची जीवित और स्वस्थ पैदा ली थी। अब तो सुरजीत को लगने लगा कि सुषमा निश्चित रूप से उसकी कोख से उत्पन्न बच्ची है। वो स्कूल किसी न किसी बहाने जाने लगी। इस आंतरिक ज्वाला में वह धधकती रहती, क्या कहें, किससे कहें, और कहने से भी तो कुछ फायदा नहीं हो सकता है ना। समय के अंतराल में सुषमा बड़ी होती है, अब स्कूल जाने लगती है। उच्च रहन सहन और इकलौती संतान के सुख ने उसे अल्ट्रा मॉडर्न बना दिया। चमचमाती कार से वह पास के शहर स्थित महाविद्यालय में पढ़ने जाती है। उसके सौंदर्य और नजाकत पर कई मजनुओं की निगाहें पड़ती है। आखिर एक दिन उसकी आंखें चार हो ही जाती है। लड़का बीजातीय होने के कारण लाला दीनदयाल भी आसानी से तैयार नहीं हो रहे हैं। गाँव में खुसुर फुसुर होने लगी है। सुरजीत अभी भी उसकी एक झलक पाने का बहाना ढूंढ लिया करती है। कभी कभी तो उस सड़क के किनारे खड़ी रहती है जिधर से उसकी गाड़ी जाती है। सुरजीत की बेटियों को तो कॉलेज नसीब नहीं है, यो गांव के ठाकुर परिवार की लड़कियां प्राय स्कूल तक ही शिक्षा पाती रही है। इस घटना ने तो लड़कियों की उच्च शिक्षा का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। दोनों परिवार की आर्थिक विषमता का कारण आना जाना भी नहीं होता, ठाकुरों और लालाओं के बीच पटती भी नहीं है। सिर्फ जाति का सवाल नहीं अपितु आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर था जिससे सुषमा प्रेम करती। ना चाहते हुए भी लाला दीनदयाल हामी भरने को मजबूर थे, लेकिन ठाकुर मलखान सिंह के अंदर ठाकुर खानदान का खून खौलने लगता है। वह नहीं चाहता है कि उसका रक्त किसी नीच जाति से संबंध करे। सीधे तौर पर वो कह नहीं सकता, वह ठाकुरों के समूह को इसके विरोध के लिए उकसाता है। बात गर्म होती है, कुछ लोग लाला को समझाने जाता है। लाला जी, आप सम्मानित परिवार के लोग हैं, जिस लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं वह नीच जाति का है, आप इस गांव की इज्जत मिट्टी में न मिलाएं। पहले सेठ जी सबको विनम्र भाव से समझाते हैं, ठाकुर जी आप जानते हैं कि सुषमा मेरी दत्तक पुत्री है, मुझे सड़क पर मिली थी, इकलौती होने के कारण मुझे उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। जमाना बदल चुका है ठाकुर जी, देश समाज में इसका महत्व ज्यादा नहीं रहा। आपका भाषण सुनने नहीं अपितु आपसे आग्रह करने आए हम लोग, निश्चित रूप से या किसी ठाकुर की औलाद होगी, मलखा सिंह गरज पड़ते हैं, निश्चित रूप से यह ठाकुरों की नजायज औलाद होगी जिसे आप लोगों ने चील कौए कुत्ते सियार के आगे फेंक आए थे। उससे तो बेहतर है कि मैं किसी आदमी के हाथ सौंप रहा हूँ। लाला दीनदयाल कहाँ पीछे रहने वाले थे। मलखा सिंह की भ्रिगुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, वो पागल सा गरजने लगता है, वाणी मुर लगाम दो लाला, ऐसा ना हो कि यहां खून की नदियां बह जाए, या किसी की नजायज औलाद नहीं बल्कि रोने लगता। कई लड़कियों के बाप होने के कारण यह भागा बाप अपनी संतान को सड़क पर निर्दयता पूर्वक फेंक दिया था। सारा माहौल गमगीन हो जाता, सुरजीत वहीं जार जार रोने लगती है। कई उत्तेजित लोगों के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती है, मामला थाना कचहरी तक जाता है। लाला दीनदयाल सिंह के पास एडेप्टेशन का पक्का सबूत होने के कारण फैसला लाला के पक्ष में होता है। मलखा सिंह अपने कई साथियों के साथ जेल में अपने किए पर पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा। गांव में भारी सुरक्षा के बीच सुषमा नरेंद्र की शादी हो रही है। आज
फिर से पराया धन पराए घर जा रही है। ला 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 इनके साथ सुरजीत ही भी बूम फाड़ कर रो रही है।